पहले क्या कुछ कहना चाहिए, कितने एक्साइटेड आप जल्दी बिग बॉस में नजर आने वाली हैं, लोग रील से रियल में देखने वाले हैं आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, थोड़ी सी, बट वो बनता भी है. और बहुत ही नई जर्नी का आगाज़ होने वाला है, बिकॉज़ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये शो करूँगी. अब जब कर रही हूँ तो थोड़े से पसपसे उठ रहे हैं मन में, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो, बिकॉज इट्स गोना बी अ वेरी न्यू जर्नी, अ लर्निंग प्लेस. ओके, कैसे आप ऑन बोर्ड हुई बिग बॉस के लिए और क्या कुछ आपका पहला रिएक्शन था जब आपको ऑफर मिला? ये दो तीन मुसलसल मेरी मीटिंग हुई, राइट, एंड्रमॉल, वाईकॉम और जियो के साथ, और फिर शायद उनको मेरी शख्सियत अच्छी लगी तो फिर मुझे कॉल आया कि आप करना चाहेंगी, एंड आई वाज लाइक या ऑफ कोर्स. मैं सच बोल तो मैं पहले कोई और शो के लिए गई थी, जियो का कोई और शो था, लेकिन फिर उनको मेरी शख्सियत याद रह गई तो फिर मुझे फिर कॉल आया. शब आई तो वो शो के लिए थी, बट वो शो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है, तो क्या ये मुमकिन है कि आप बीबी करना चाहो? तो उस तरीके से मुझे ऑफर हुआ, तो शायद कहीं ना कि ये मेरे मुकद्दर में था, आ गया. तो आपने फटाक से हाँ कह दिया, कोई सेकंड थॉट आपने सोचा? हाँ, मतलब ऑफकोर्स मेरे अम्मी अब्बा से सलाह मशवरा किया, उसके बाद ही आई केम ऑन दिस डिसीजन, बिकॉज इनिशियली दे वर नॉट वेरी कीन कि मुझे ये करना चाहिए, बिकॉज उनके लिए उनकी बच्ची बहुत भोली है, पता नहीं वहाँ पे लोगों के साथ कैसे डील करेगी, कितने मसले मसाइल होंगे, बट हाँ मैंने उनका मादा कर लिया, लाइक आई कन्विंस देम. ओके, इस बार का बिग बॉस कुछ हटके होने वाला, थीम अलग है, होस्ट सबसे बड़े हुआ तो होस्ट चेंज हो चुके हैं, क्या कुछ इसको लेके कहना चाहेंगे? ये भी अपने आप में बहुत आला बात है कि सबसे मतलब पहली दफ़े अनिल कपूर सर इसको होस्ट करेंगे, और वो बहुत लाइवली पर्सन है इन जनरल ऑल्सो, मतलब जितने भी उनके इंटरव्यूज कैरेक्टर्स मैंने देखे वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तो मैं उनसे रिलेट कर पाती हूँ कि वो अपने आप को बहुत पसंद करता है, एंड झकास, एंड आई ऑल्सो कीप ऑन सेइंग आई लव माई सेल्फ. सो आई थिंक जो थोड़े से इस तरीके के लोग होते हैं जो खुद को पसंद करता है, उनमें एक्स फैक्टर होता है, तो ये जो एक्स फैक्टर है बिग बॉस को हिट करने के लिए मुझे लगता है काफ़ी है, जो अनिल कपूर सर में है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. ओके, आपने पहले जब ये बिग बॉस था पहले लोगों को नहीं पता था कि अनिल कपूर है, तो आपको लगा था सलमान खान से मिलना, उनके लिए कुछ सोचा था आपने? हाँ डेफिनेटली, जब पहले ऑफर हुआ तो मुझे, क्योंकि बिग बॉस का नाम अक्सर उनसे ही वाबस्ता होता है, सलमान खान सर से, बट देन जब पता चला अनिल कपूर है, कोई मसला नहीं है. आई मीन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ आई एम एज अ कंटेस्टेंट होस्ट, चाहे वो सलमान सर और अनिल कपूर, दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत आला दर्जे के इंसान है, आला दर्जे की शख्सियत है, बट उससे ज़्यादा मेरा तवज्जो इस पे था कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगी, सो आई वाज थिंकिंग मोर अबाउट दैट रादर देन हू इज होस्टिंग. सो आप कुछ प्रिपरेशन कर रही हैं बिग बॉस के लिए? ना प्रिपरेशन मतलब हाँ कपड़े वो सब के हवाले से हाँ, लेकिन गेम कैसे खेलूंगी, क्या प्लानिंग होगी, क्या प्लॉटिंग होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसके हवाले से कुछ नहीं. आई एम अ वेरी स्पॉन्टेनियस पर्सन और मुझे मनसूबा बना के जाना पसंद नहीं है. ओके, प्रीवियस सीजन से कोई फैन आपके फ्रेंड्स होंगे इंडस्ट्री के, या फिर आपके जो जिनसे आपने कुछ टिप्स लिए हो, या फिर आप उनसे बात कर रहे हो कि कैसे खेला जाए, क्या कुछ किया जाए? टिप्स तो मैं किसी से एज सच ले नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ मेरी मनु पंजाबी जो है उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी काफ़ी हद तक मुझे चीज़ें बताई हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके की चैलेंजेस चुनौतियाँ आ सकती है उन पर, मुझे यू नो किस तरीके से रिएक्ट करना है क्या, तो सारी चीज़ें मुझे बताई है, नॉट एज अ टिप टिप, एज अ मैप की तरह नहीं, ऊपर ऊपर से उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके की चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा. वो मैं रिएक्ट कैसे करती हूँ वो मेरी शख्सियत के ऊपर है, वो मुझ पर. ओके, घर के भी ड्यूटीज करनी पड़ेंगे, घर के काम करने पड़ेंगे, सो आप कितना उसमें माहिर है घर के कामों में? बहुत ईमानदारी के साथ बोल रही हूँ, मैं माहिर नहीं हूँ घर के कामों में, बट जब खुद पर आती है तो इंसान को करना पड़ता है, और आई थिंक एक रीज़न मेरी अम्मी ने ये शो के लिए हाँ भी इसीलिए बोला है ताकि मेरी बच्ची कुछ घर का काम कर लेगी, कुछ सीख लेगी, और वहाँ पर सब कुछ खुद को करना पड़ता है, चाहे वो वॉशरूम साफ करना हो, बर्तन धोना हो, खाना मैं पका लेती हूँ बेसिक बेसिक, तो उसमें मसले मिसाइल नहीं होने चाहिए. हाँ जब कपड़े धोना, क्लीनिंग, वो सब की बात आएगी तब मेरे लिए चैलेंज हो सकता है, बट आई डू इट, आई लव चैलेंजेस, ब्रिंग इट ऑन. ओके, कोई ऐसा काम जो आप नहीं करना चाहेंगे, मतलब मुझे ये काम करना ही नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इंसान को ऐसा होना चाहिए कि ओके तो मैं करूँगी ना. ओके, प्रीवियस सीजन आपने कुछ फॉलो किया? ना, मैं पिछले 4 या 5 सीजन फॉलो नहीं कर रही हूँ, जो भी मुझे रील्स पर दिखता है बस वहीं तक महदूद है, उसके आगे बिल्कुल नहीं. एनी फेवरेट कंटेस्टेंट? आई थिंक मेरी फ्रेंड थी लास्ट वाले OTT में, मनीषा रानी, तो फॉर श्योर हर.
उनको ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था। मैं कह रही हूँ ना कि देखो जिस इंसान की शख्सियत मुख्तलिफ होती है और उसको शर्म नहीं आती कि मैं ऐसी हूँ, अब मैं ऐसी हूँ तो आप मुझे एक्सेप्ट करो, तो जिसमें ये क्वालिटी होती है जो मनीषा में थी उसको ऑडियंस को पसंद करना ही है, बिकॉज ओरिजिनल पीसेस आर रेयर एंड शी वाज डेफिनेटली वन ऑफ देम। ओके, लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस के लिए? फैंस को यही बोलूंगी कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक, अल्हम्दुलिल्लाह हमने टुगेदर अराउंड 43 म्यूजिक वीडियोज अब तक कर लिए, तो अब म्यूजिक वीडियोज तक आप लोगों ने बहुत मुझे पसंद किया, बट अब मैं चाहूंगी कि जब मुझे एक्चुअली आपकी जरूरत है यू नो इस प्लेटफॉर्म पर, तो प्लीज हो सके अगर मैं कभी आउट होती तो मुझे वोट दीजिएगा, आउट तो होने दीजिएगा ही नहीं, और जैसे सपोर्ट करते हो सपोर्ट करे, बहुत सारी प्यार और बहुत सारा मोहब्बत दे, बाकी आई थिंक बेस्ट विल हैपन क्योंकि खुदा साथ है, तो डरने की क्या बात है। थैंक यू सो मच।